News 18, India. रुक करते हैं चंडीगढ़ का, जहां एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है, वो भी चंडीगढ़ के मेयोरल चुनाव में। बीजेपी का उम्मीदवार मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में जीत चुका है, यानी इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो ठनी है वो चंडीगढ़ पर बीजेपी के लिए, देखिए आज बीजेपी धनी है। किरण खेर जी का विक्ट्री साइन, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार चंडीगढ़ का मेयर बना है, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं। तो क्या कांग्रेस ने वहां पलटवार किया है आम आदमी पार्टी पर कि आप लोकसभा चुनाव में हमारे साथ नहीं लड़ोगे, खुद ही जाना चाहते हो पंजाब में? तो देखिए अब हम आपका भी खेला करते हैं, हर जगह खेला होबे हो रहा है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कि बीजेपी के मनोज सोनकर अब चंडीगढ़ के मेयर बने हैं। कैसे हुआ ये उलटफेर, किसने वहाँ पलटी बाजी मार ली, किसने वहाँ पर वोट बदल दिए, इंडी गठबंधन को ये कितना बड़ा झटका है, क्या आम आदमी पार्टी इससे और झल्ला जाएगी, कांग्रेस और आपके बीच में और फिर दरारें गहरा जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ये बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है। चमन बनालिया जुड़ रहे हैं। चमन, ये उलटफेर कैसे हुआ, इंडी गठबंधन यानी पंजाब में तो फट गया पूरी तरह से? जी अनंत, देखिए जिस तरह से जो एनडी गठबंधन का जो था ये पहला चुनाव था और उसी को लेकर जो था आज सवेरे से ही जो कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी की जो सांसद थे उन्हें भी जो था एक रिजोर्ट में रखा हुआ था और कांग्रेस को भी, और सवेरे जब बीजेपी के जो पार्षद वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद जो था वो माहौल जो था वो जो इलेक्शन था वो भी कम से कम जो है 45 मिनट के करीब जो है वो डिले हुआ, और उसके बाद जो थी इलेक्शन की कार्रवाई जो है जो वोटिंग की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई, और अब जो जाके जो है नतीजा है वो आ गया है। और इस वक्त जो है वो अंदर जो है आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के जो जो पार्षद है उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है, लेकिन जो वहां पर इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और बीजेपी के जो इस वक्त जो नए जो मेयर हैं वो चुन लिए गए हैं, और उनको मनोज सोनकर जो है अब बीजेपी के इस बार जो है चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे, और लगभग जो है बीजेपी को जो है 16 के करीब जो है वो वोट जो है वो इस जो इलेक्शन में जो है पड़े हैं, और 8 के करीब जो वोट हैं वो जो है वो कैंसिल हुए हैं, और तकरीबन जो है बाकी वोट जो थे वो गठबंधन के खाते में गए हैं। तो 16 वोट बीजेपी को, 8 वोट कैंसिल हुए, ये 8 वोट किसके कैंसिल हुए चमन? और ये पहली बार नहीं है जब आप पर झाड़ू फिरा है चंडीगढ़ में मेयरल चुनाव में, ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी बीजेपी का उम्मीदवार जीता था, वहीं कांग्रेस के कुछ वोट टूटकर बीजेपी के पाले में गए थे, अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ लग रहा है। 8 वोट ये कौन से थे जो कैंसिल हो गए? जी देखिए, जिस तरह से जो गठबंधन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इस इलेक्शन में हुआ था तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये कांग्रेस के कई जो जो पार्षद थे वो इस गठबंधन से खुश नहीं थे, इसी को चलते जो थे वो कई वोट जो थे वो जो पार्षद थे उन्होंने जो वोट जो कैंसिल हुए हैं उन्हीं के बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कई जो पार्षद थे वो इस गठबंधन से जो थे उनकी जो नाराजगी जो थी वो बनी हुई थी, लेकिन जिस तरह से ये गठबंधन का चुनाव था इसीलिए सवेरे जब वो यहाँ पर एकता जुट होकर जो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अब जो ये चुनाव का नतीजा आया उससे साफ जाहिर होता है कि जो गठबंधन का जो चुनाव है वो एक बार जो है फिर फेल नजर आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और कोई जो इस गठबंधन के चुनाव में इतना बड़ा जो चेहरा जो कांग्रेस की अगर हम बात करें पवन कुमार बंसल थे के बीच जब गठबंधन की जो बैठक हुई थी और जो आम आदमी पार्टी की जो सांसद है राघव चड्ढा उनके बीच जो थी इस रणनीति को बनाया गया था, लेकिन ये रणनीति जो है वो बिल्कुल जो है वो फेल हो गई है, और इस रणनीति में जो है बीजेपी ने जो है फिलहाल जो है बाजी मार ली है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लार्जर इम्पैक्ट क्या होगा चमन, एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस और आम आदमी के बीच ठन जाती है तो उसका क्या मतलब होगा, यानी क्या अब आम आदमी पार्टी को अब त्रिकोणीय चुनौती लड़नी पड़ेगी? जी देखिए, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये साफ कर चुके हैं कि जिस तरह से आने वाले जो लोकसभा चुनाव है वहां पर जो है आम आदमी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, वहां पर कोई गठबंधन नहीं होगा। तो जिस तरह से चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की जो है राजधानी है तो इसका जो असर था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलना था, क्योंकि पंजाब में जो था वो गठबंधन में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, और चंडीगढ़ में जो था ये पहला गठबंधन का चुनाव था, लेकिन इसका भी असर जो है अब यहाँ पर नहीं दिखा है।
तो अब पंजाब में तो ऑलरेडी पहले से ही जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, और चंडीगढ़ में भी अब अगले जो चुनाव होना लोकसभा का जो जिसमें एक ही जो लोकसभा की सीट है वो भी वो अब लगता है कि अब वो अकेले अकेले ही दोनों पार्टियां को आगे लड़ना होगा। ये जी बहुत बहुत धन्यवाद चमन आपके अपडेट के लिए। यानी इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका क्योंकि पहले टेस्ट में ही फेल, चंडीगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है, मनोज सोनकर अब मेयर बने हैं, 16 वोटें बीजेपी को पड़ी, 8 वोटें कैंसिल हो गई और बाकी की गठबंधन के पाले में गई, लेकिन वहां लग रहा है कि आप और कांग्रेस के बीच में नहीं बन रही है। और अगर ये बात वहां पंजाब में नहीं बन रही है तो दिल्ली में कैसे बनेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कई और जगह है जहां आम आदमी पार्टी भले ही अपने डिपॉजिट खो चुकी है विधानसभा के चुनाव में, लेकिन उसका 1-2% वोट शेयर वो मानती है होगा, और इसका असर, इसका लाभ शायद गठबंधन को हो सकता था, लेकिन अब शायद वो नहीं होता दिख रहा है।